गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और 2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरे प्रॉब्लम चल रही थी बहुत ज़्यादा घर के अंदर, कि मैं वीडियोस वगैरह ये सब बनाती हूँ तो लोगों को बहुत दिक्कत होने लग गई। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी और अब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लग गई कि वीडियो बनाते हैं वो करते हैं। चलो पहले तो चलो कोई ना, हस्बैंड साथ थे हैं तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी लोगों से। अब तो मेरे हस्बैंड को भी इतना भड़का दिया इन लोगों ने कि वो भी इनके साथ ही लग गए, और इतना आप सोच नहीं सकते हो इतना बुरा बुरा कर रहे हैं ये लोग। फिर भी मैं पीछे हटूंगी तो नहीं, यही सोच रखा है कि अपन को जब अपन ने ये कदम उठा लिया तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मुझे ये तो सब अब सबके घर में चलते रहती है, सबके वो प्रॉब्लम होती रहती है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो दूसरे करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अरे अपने अपने कितनी बड़ी बात होती है कि अपने ही अपन को दुख देने में लग रहे हैं, जिसमें मैं तो किसी को अपने ब्लॉग में लेती भी नहीं हूँ। मैं खुद अपना ब्लॉग बनाती रहती थी, मेरे हस्बैंड मेरा ब्लॉग बनाते रहते थे। अरे कोई बात नहीं, मुझसे सबको दूर कर कर भी कौन सी खुशी पालोगे आप लोग? कुछ भी नहीं पा सकते हो। जब तक मेरे साथ में मेरे फैंस है, मेरे मुझे इतना सपोर्ट करने वाले सब लोग हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है? मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो जो करना है तुम लोगों को। मैं तो पीछे कभी ही नहीं हटूंगी, जो मैंने कर लिया वो मैंने कर लिया। इतना आगे पहुँच कर और एकदम से पीछे हटना बहुत मुश्किल बात है। जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तब रोकते तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब रोक लगा रहे हो क्योंकि मैं आगे बढ़ गई इस वजह से। तो आप सब बताओ फ्रेंड्स कि मैं कौन सा गलत बनाती हूँ इसके अंदर, ब्लॉग के अंदर, या मैं कुछ गलत चीज़ दिखाती हूँ? मैं तो बल्कि ऐसे भी नहीं है कि फालतू का ओवर एक्टिंग करती हूँ और कुछ ज़्यादा वो दिखाती हूँ, बल्कि जो नॉर्मल मेरी लाइफ है वैसे ही नॉर्मल लाइफ दिखाती हूँ। बल्कि मैं दूसरों की ही बड़ाई करती रहती हूँ इसके अंदर। जो चीज़ मैं खुद लेके भी आऊँगी तो भी मैं दूसरों का ही नाम लगाकर उसमें बोलती हूँ कि हाँ मुझे इन लोगों ने ये किया है मेरे लिए, जबकि कोई मेरे लिए कुछ ही नहीं करता, सब कुछ मैं खुद करती हूँ मेरे लिए। और लोग अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लग गए इस चीज़ से कि हाँ ये कर लेगी तो हमें कुछ ही नहीं समझेगी, वो नहीं समझेगी। देखो जो जिसकी दिल में जिसके लिए जो जगह है वो तो हमेशा ही रहेगी। ब्लॉग बनाने से आगे बढ़ने से कोई ये तो है नहीं कोई किसी का साथ छोड़ देता इस चीज़। पता नहीं लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है मेरे से, इतनी परेशान हो गई। 2 दिन हो गए आज मुझे इतना परेशान होते हुए इन लोगों की वजह से कि चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो ये कैसे तो खुश, ये वैसे भी खुश नहीं हो रहे, इनको पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत होने लग गई इतनी। अरे मैं स्पेशल तो बनाती ही नहीं हूँ, लोग बाग सब बना रहे हैं इन मुझे देख देख के, तो बल्कि लोग बाग बनाने लग गए। नहीं पहले कोई ये सोचता भी नहीं था कि अपन ब्लॉग बनाए। मैंने जब से स्टार्ट किया है ब्लॉग बनाना तब से तो पता नहीं कितने लोग बना रहे हैं मुझे देख देख के, और बल्कि सेम कॉपी कर रहे हैं मुझे। ये भी नहीं देखते कि हाँ अपन इसकी कॉपी करके अपन ऐसे कर रहे हैं। और जो तो खुद बनाते हैं तो दिक्कत नहीं है, और मैं बनाऊँ तो सबको दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। कोई ना, मेरा ब्लॉग आज से वापस स्टार्ट होगा, और मेरा कोई ब्लॉग बनाए ना बनाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद मेरा ब्लॉग अब मैं खुद बनाऊंगी, किसी का ही सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे इन चीज़ों में। आप सब मेरे साथ हो तो मुझे इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है किसी की भी। तो मैं सिल रही हूँ लहंगा, देखो अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी अभी थोड़ा सा ही हुआ है। उसकी कमर थोड़ी बड़ी हो गई, इसको थोड़ा छोटा करूँगी। तो आपको कोई मुझे टाइम मिलेगा ना तब मैं ज़रूर आपको इसकी कटिंग बताऊँगी। मैं आपको बोलती हूँ बट मेरे से क्या काम में फ्री नहीं रह पाती हूँ ना, इस वजह से तो मैं दिखा नहीं पाती आपको सबको कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अब तो मैंने स्टैंड मंगा लिया तो अब उस पर रख रख के मैं आराम से ब्लॉग बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे नोरे खाने पड़ते हैं सबके, प्लीज़ ब्लॉग बना दो ब्लॉग बना दो। और एक ही इंसान है जो मुझे, उनको कोई भिड़का देता है तो वो उनके भिड़काओं में आ जाते हैं, फिर वो मेरा ब्लॉग बनाते नहीं हैं। वो भी पता नहीं क्या इंसान है कि हर किसी के कहने पर आते रहते हैं। ऐसे नहीं अपनी वाइफ को सपोर्ट करे तो वाइफ आगे बढ़े, वो तो
कहते हैं ना, इंसान जब कोई साथ नहीं रहता तो फिर अकेले सब कुछ करना पड़ता है, वही कर रही हूँ अब मैं। अब मैं किसी के पीछे ही नहीं रहूँ, खुद को खुद करूँगी और खुद आगे बढ़ के दिखाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस, आप सब मुझे सपोर्ट करो, आप सबके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। किसी के अंदर से हम मिक्कू के नन्नू के कपड़े लेते हैं, तो देखते हैं अभी हमें क्या पसंद आता है, न्यू क्या आया है इसके अंदर। नहीं, लोअर तो नहीं ले, शॉर्ट्स लेंगे, ऐसे वाले लेंगे। नहीं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देख, ये ऐसे वाले तो, बटन वाले तो मत लेना। ये कैसा लग रहा है ये? बटन का कहाँ ये? इसमें तो ये तो फैशन का लग रहा है ना, लग सुंदर रहा है। कितने का ये? ये देखो टी शर्ट इनकी भर लिए पूरा। और जिसको भी लेने हो आ जाओ, बहुत यहाँ पे सब मिलता है अच्छे अच्छे। देखो डेली वियर की टी शर्ट है ये, मैंने अभी दिखाई थी तेरे को ये ब्लैक, तूने क्या बोला था? नहीं ब्लैक तो है, ये वाला नहीं, वो गेम ओवर वाला, उसमें नहीं है से नहीं। ये मैं खड़ी स्टूडियो के अंदर और मिको के लिए ले लिए इसमें से भी हमने कपड़े। और देखिए ये रहा स्टूडियो, सब कहते हो कि कहाँ से शॉपिंग करते हो आप, तो आप देख लीजिए पहले। अब हम हमारे लिए कर रहे हैं, मिको के लिए ले लिए। अंकु ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली। हाँ, ये देखो अपने साइज, ये रही, ये रही, ये रही 38। प्लैनेट बी, देयर इज नो प्लैनेट बी, मतलब इसका बता रहे चिकू गंजे, तू बता, देयर इज नो प्लैनेट बी। गंजे को क्या पता, गंजे का अंग्रेजी नहीं आती है। ये भी लेके आए थे हिंगोलिया। देखो मिको के लिए कितने सारे कपड़े लिए हैं मैं। ये येलो रेड ही लेके आते हो कोई अलग? यार नहीं है वहाँ पे अभी मैक्स के अंदर इतना कपड़े नहीं आए, अभी नॉर्मल यही आए हैं, जो मुझे पसंद आया वो मिली है। देखो वो, और इसके नाप के भी हैं, ये कितना प्यारा है ना। ये अच्छा लग रहा है मेरे को, मोटो रेसी। यार तू और कलर क्यों नहीं लेके आती इसके लिए? यार नहीं है वहाँ पे अच्छा, अभी ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मस्त है ना। इसका शॉर्ट्स भी है साथ। ये देखो, ये पूरी ड्रेस है 550 की। ये हाँ, ये पूरी 550। तो इतने तो मेरे ही नहीं आते। और ये टी शर्ट, इस पे ये वाला शॉर्ट्स है। ओ मिकू स्टार, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये इसका शॉर्ट्स है। अब गर्मियों में ऐसे ही कपड़े पहने की शॉर्ट्स थे, देखो 249 रुपए का। सही बात है, एक चड्डा चड्डा इसका 200, तू 250 के चड्डे लेके आई है इसके। ये 300 रुपए की टी शर्ट है। शाबाश। और इसका शॉर्ट्स था ना, ये रहा। नहीं, ये वाला बनाया था मैंने इसका। सही है, तो तैया कलर का देखो। अभी नहीं है बुगा, अभी आए इसको भी देखो। और इसका, हाँ इसका ब्लू था। नहीं, इसका ये था, सॉरी। कॉम्बिनेशन बैठा के लेके आए थे कि वहीं से। और इस शॉर्ट्स का ये था। कितनी ड्रेस हो गई इसकी? 1 2 3 4
और इसका शॉर्ट्स है ना पसंद तो आया था, फिर इतना खास नहीं लगा, मैं पटके हुई। पांच ड्रेस लेके आई है तू? पांच ड्रेस। अच्छा, और इसमें ये कुर्सी बना के बैठी है, 3000 रुपए लग गए मेरे स्केच के। अच्छा, और ये डोर नहीं लेके आता, एक तो मेरे को, एक तो मेरे से किसी ने मंगवाई थी और एक मेरी है। कैसी लगी बताओ? रेड ही रेड है दोनों। हाँ तो रेड ही है, ओपन हो गया ना। देखो कौन से ज्यादा अच्छे लग रहे थे तेरे? ये तो नॉर्मल है, कॉमन है। ये वाली ज्यादा अच्छी है, इधर वाली। जो पसंद आई थी वो ले ली, एक मेरी है एक उनकी। किन की? दीदी वाली। अच्छा, कहाँ से लेके आये ये लुगड़िया? कहाँ लिया मैंने? और इसमें क्या है? ब्लाउज, जिसको चाहिए मुझे बता देना। मोर मोर, तीन चार